नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान सबसे ज्यादा खुश है। यही कारण है कि तालिबान सरकार के ऐलान के समय पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद काबुल पहुंचे थे। हालांकि पाकिस्तान को लेकर अफगानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए तालिबान ने भी अपना रुख बदल लिया है। तालिबान ने सीधे तौर पर इमरान खान को चेतावनी देते हुए अफगानिस्तान के मामलों से दूर रहने को कहा है। अफगान तालिबान कमांडर और सोशल मीडिया के प्रमुख जनरल मोबिन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को चेतावनी दी है। उन्होंने पाकिस्तान को अफगान मामलों से दूर रहने को कहा है। तालिबान नेता ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तानी आवाम की राय से नहीं आए हैं। पाकिस्तान में तो इमरान खान को कठपुतली कहते हैं। हम किसी को यह हक नहीं देते कि वह हमारे निजी मामलों में दखल दे। तालिबान कमांडर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अगर दखल देगा तो हम भी दखल अंदाजी का हक रखते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि तालिबान अब अफगानों के दबाव में पाकिस्तान से पिंड छुड़ाना चाहता है। इतना ही नहीं, तालिबान को यह अच्छे से पता है कि पाकिस्तान की दुनिया में साख क्या है। अगर तालिबान और पाकिस्तान एक साथ दिखे तो इससे इस्लामिक अमीरात सरकार को मानना तक तक नहीं मिलेगी। तालिबान में मुल्ला ब्रदर और मुल्ला यूसुफ के नेतृत्व वाला गुट पाकिस्तान की बढ़ती दखलंदाजी से चिढ़ा हुआ है। यही कारण है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात सरकार के ऐलान के बाद भी ये दोनों नेता काबुल से दूरी बनाए हुए हैं। मुल्ला ब्रदर को तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री और मुल्ला यूसुफ को रक्षा मंत्री बनाया गया है। मुल्ला यूसुफ तालिबान सरगना मुल्ला उमर का बेटा और मुल्ला ब्रदर का भांजा है। मुल्ला यूसुफ और मुल्ला ब्रदर कंधार में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं काबुल में सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारों पर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। सिराजुद्दीन हक्कानी का नक्का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके 6,000 खूंखार आतंकी भारी हथियारों से लैस होकर काबुल में गश्त लगा रहे हैं। हालांकि मुल्ला ब्रदर अभी कहां है इसका सही से कुछ पता नहीं है। केवल अटकलों के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।